जम्मू में माल मवेशियों में बढ़ती लंपी स्किन डिजीज बीमारी ने किसानों माल मवेशी पालकों की नींद उड़ा दी है। ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि अब कोई गांव ऐसा नहीं जहां ये ना पहुंची हो। कैप्रीपॉक्स नाम का वायरस मक्खी मच्छर कीट के जरिए एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंच रहा है और गाय भैंस को बीमार बना रहा है। खासकर गाय पर इसका हमला तेजी से हो रहा है। विश्नाथ के चोरली गांव में दर्जनों मवेशी इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। इस बीमारी के कारण माल मवेशी के शरीर पर फोड़े बन रहे हैं और जानवर चारा भी नहीं खा रहा। बीमारी को लेकर किसान परेशान हो गया है और माल मवेशी पर लगातार नजर रख रहे हैं। और माल मवेशी पर लगातार नजर रख रहे हैं। वहीं पशु चिकित्सकों के पास मवेशी पालक पहुंच रहे हैं और इस बीमारी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये बीमारी भारत में 2019 में आई थी और अब जम्मू कश्मीर में फैल रही है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर नीलेश शर्मा का कहना है कि किसान सचेत रहें और माल मवेशी पर नजर रखते रहें। अगर लगता है कि किसी जानवर को फोड़े हो रहे हैं तो उसको दूसरे जानवरों से अलग कर दें, उसका चारा भी अलग कर दें ताकि बीमारी दूसरों में ना फैले।